सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर वन। गाइज अगर आपने हमारे ग्रैनी चैप्टर वन के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारा डे वन स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं इस रूम में बंद हूँ और अभी भी मैं अपने बेड से उठा हूँ। तो अभी हम इस क्या कहते हैं इसे केतली को उठाकर धीरे से आराम से ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर शायद मुझे पटरों को अभी ग्रैनी से तोड़वाना है। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहले इसे गिरा देते हैं और इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। अब हम इसे इस जगह पर फेंक देते हैं ताकि यहाँ पर ग्रैनी आए और वो इसे इन पटरों को हटा दे और हम उसके अंदर चेक कर सकें कि उसके अंदर क्या रखा है। तो फिलहाल अभी हम ग्रैनी के आने का वेट करेंगे यहाँ पर। तो आज ग्रैनी अभी आ चुकी है और उसने पटरों को गिरा भी दिया है। तो हम ग्रैनी के यहाँ से जाने का इंतज़ार करेंगे ताकि ग्रैनी यहाँ से जाए और हम उस रूम को चेक कर सकें। कजी ग्रैनी यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं कब जाएगी ये। अरे जा जल्दी जा, कब से खड़ी है यहीं पर। गाइस इसने यहाँ पर ट्रैप बिछा दिया है, हमें यहाँ से संभल के निकलना होगा। फाइनली गाइस अभी ग्रैनी तो यहाँ से जा चुकी है, तो हम आराम से जाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे, बट इतना ध्यान रखेंगे ग्रैनी हमें मार ना दे। गाइस अभी यहाँ पर शोर हुआ है, हम जल्दी से चेक कर लेते हैं क्योंकि ग्रैनी यहाँ पर आती ही होगी। तो यहाँ पर मुझे कार की मिल चुकी है और ग्रैनी यहाँ पर आ भी चुकी है। तो यहाँ पर सुबह मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, ग्रैनी ने मुझे मार दिया है और यहाँ पर मेरा एक दिन ख़त्म हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर मेरा दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं कार एस्केप करने वाला हूँ। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और ऊपर की साइड ही चलते हैं, कोई ग्रैनी ऊपर की साइड होगी नहीं। तो अभी गाइस यहाँ पर भी इस डायन ने ट्रैप बिछा के रखा था, तो अभी जल्दी से चलते हैं क्योंकि ग्रैनी आ ही रही थी। और अभी मुझे यहाँ पर कार की है तो कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कार के अंदर कुछ भी मुझे मिल सकता है। तो फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी ग्रैनी के आने का इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर ग्रैनी आएगी तो हम इधर से निकल लेंगे क्योंकि अभी हमने शोर किया तो ग्रैनी तो वहाँ पर ज़रूर आएगी और ऊपर की साइड भी आएगी। तो अगर हम इस रास्ते से जाएंगे सीढ़ियों के रास्ते, और ग्रैनी यहाँ पर आ भी चुकी है और इसने अब की बार बहुत ज़बरदस्त ट्रैप बिछाया, इसलिए मैंने यहाँ से जंप लगा दिया। और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं शायद कुछ मिल जाए मुझे। तो यहाँ पर तो मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं मिला है और अभी हम नीचे की साइड जाएंगे, ग्रैनी भी आ रही होगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे एक प्ले हाउस की दिख गई है जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद में उठा लेंगे। अभी इसकी किचन को भी चेक करना है। फिलहाल ग्रैनी को देखते हैं कहाँ है, तो गाइस ग्रैनी यहीं पर खड़ी है और ग्रैनी के जाते ही हम इस जगह को चेक करेंगे। तो गाइस ग्रैनी ने लगता है मुझे देख लिया है, चलो कोई बात नहीं, ग्रैनी यहाँ से जा चुकी है। तो हम यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट गन का पार्ट भी दिख चुका है जिसे हम अभी उठा लेंगे। पहले हम इससे चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कुछ मिलेगा। तो अभी उन तो गाइस अभी भी ग्रैनी यहीं पर खड़ी हुई है, चलो इनको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अभी उस अलमारी को और चेक करना है, ग्रैनी जी इसी तरफ आ रही है। तो चलिए अभी सबसे पहले नीचे की साइड जाएंगे। वैसे भी इस ग्रैनी ने मेरा एक दिन तो ख़त्म ही कर दिया, 5 दिन मिलते हैं
और उसमें से इसने एक दिन ख़त्म कर दिया है। तब यहाँ से चलिए ऊपर की साइड चलते हैं और ऊपर की साइड भी कुछ चेक कर लेते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वैसे शॉटगन का एक पार्ट मिल चुका है मुझे और दो पार्ट अभी भी मुझे नहीं मिले हैं, देखते हैं वो पार्ट कहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं शायद कुछ हमको मिल जाए, इधर तो कुछ नहीं है, अंदर की साइड होगा। तो गाइस यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला मुझको, तो इससे बेटर है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए देखकर, क्योंकि ग्रैनी भी आ सकती है इधर। यहाँ पर मुझे किताब दिख गई जिसे हम बाद में उठा लेंगे, क्योंकि किताब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम उस डायन को ज़िंदा करेंगे, उस स्पाइडर को ज़िंदा करेंगे, तो किताब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम इधर शोर कर देते हैं ताकि ग्रैनी इस साइड आए और हम कार वाले रूम में जाकर कार की लगाकर उसमें चेक कर लें, क्योंकि तो अभी तक हम कार वाले रूम में गए नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तो यहाँ पर शोर तो हो चुका है और यहाँ पर मुझे एक वाटरमेलन भी मिल चुका है, तो अभी फ़िलहाल और देखते हैं ग्रैनी को, तो यहाँ पर हम चकमा दे देंगे। यहाँ पर मुझे एक वेपन की भी मिल चुकी है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मुझको मिल चुकी हैं। एक वाटरमेलन मिल चुका है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और एक वेपन की भी मिल चुकी है, और यहाँ पर ग्रैनी यहाँ पर आ चुकी है, और मुझे यहाँ पर एक प्लास भी दिख गया जिसे हम अभी थोड़ी देर बाद में उठाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से निकल लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम वेपन की उठाएंगे। ग्रैनी के जाते ही हम वेपन की उठा लेंगे, क्योंकि ग्रैनी बहुत ही ये खतरनाक है, मुंह पे डंडा सीधा मारती है। वो ग्रैनी आ रही है सामने और ये भी ऊपर की साइड जा रही है। इसने ट्रैप बिछा दिया है ताकि मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ना आ पाऊँ। वैसे भी मुझे अभी ऊपर जाना ही नहीं है, मेरा नीचे ही बहुत काम है। नीचे भी वेपन की फ़िलहाल उठा लेते हैं। अब चूँकि प्लास की तो हमें आई थिंक एक की जगह पर ज़रूरत पड़ने वाली है और कहीं पर नहीं, तो गाइस ग्रैनी यहीं पर खड़ी है और इसने मुझे देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे नहीं देखा। तो ये इस साइड से आ रही है और हम इस साइड से निकल लेंगे। चलिए फिर अबे सबसे पहले हम वेपन के उस वेपन की जिसमें लगती है उस वाली अलमारी को खोलेंगे, ताकि वहाँ से मुझे क्रोसबो मिल सके, क्योंकि क्रोसबो से हम और एक पिन भी उसके साथ आता है उसमें यहीं पर मिलेंगे, उससे हम ग्रैनी को 2 मिनट तक बेहोश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे उठा लिया और अभी हम नीचे की साइड जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक है मुझे उस ग्रैनी को 2 मिनट तक के लिए बेहोश करना है। अभी ग्रैनी भी पता नहीं कहाँ चली गई, तो मुझे शोर करना होगा यहाँ पर, तो मैंने शोर कर दिया है। ग्रैनी के आने का इंतज़ार करते हैं यहीं पर। ग्रैनी आएगी जरूर। ग्रैनी के आने का इंतज़ार करते हैं यहाँ पर, कितना टाइम लगाएगी ये डायन, पता नहीं कहाँ पर व्यस्त हो गई। गाइस ग्रैनी अभी आ रही है और इसके आते ही हम इसे पास में आ जाने देते हैं, क्योंकि पास से हमारा जो पेन है वो नहीं हो पाएगा। तो अभी यहाँ पर गाइस मुझे एक शॉटगन का पार्ट और मिल चुका है, और यहाँ पर अभी मेरे पास 2 शॉटगन के पार्ट हमको मिल चुके हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है अभी। इस कौवे के पास एक कोक व्हील है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर मुझे एक रिमोट कंट्रोल मिल चुका है जिसकी शायद ही मुझे ज़रूरत है, क्योंकि उस रिमोट कंट्रोल वाले जिसमें लगता है ये वो रूम, उसमें कुछ खास मिलता नहीं। तो अभी हमने इसको यहाँ पर फेंक दिया है और चलिए ऊपर भी रिमोट कंट्रोल को ही उठा लेते हैं या कुछ और देखते हैं। मुझे भी काफ़ी आई थिंक मुझे इंजन पार्ट
मिल चुका है। यहाँ पर मुझे शॉटगन का एक और पार्ट दिख चुका है जिसे अभी हम उठाने वाले हैं, क्योंकि शॉटगन सबसे पहले हम तैयार करेंगे। ऐसे शॉटगन तैयार करने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रॉसबो एंड पेंट्स, जिससे हम ग्रैनी को 2 मिनट। तो यहाँ पर मुझे एक इंजन पार्ट भी मिल चुका है। चलिए अभी हम पहले अपनी शॉटगन को कंप्लीट करते हैं, कि शॉटगन का पार्ट एक किचन में भी पड़ा हुआ है, एक मैंने आई थिंक रख दिया है, रखा नहीं अभी, सुरंग में रखा है अभी। तो ग्रैनी अभी तक बेहोश है, तो मुझे लगता है चलो पहले उस पार्ट को उठा लेते हैं। कहाँ पर है वो पार्ट? यहाँ पर एक प्लेयर्स की, इसको पहले ले चलते हैं नीचे। प्लेयर्स की को इस साइड रख देते हैं, इधर भी कुछ नहीं है। अब फिर एक बार ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर काफ़ी काम है। ये शॉर्ट गन के इस पार्ट को उठाकर वहीं पर लगा देते चले। शॉर्ट गन कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ से भी मैं प्लास को ले जाने वाला हूँ। वाटरमेलन को तो बाद में भी चेक कर लूँगा, उसे ग्रैनी अभी भी जिंदा नहीं हुई है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है उसका। तो गज ग्रैनी ने मुझे देख लिया, ये पता नहीं कितनी जल्दी जिंदा हो गई। तो इस साइड से हम निकल लेते हैं अभी, और अभी इसे बेहोश कर देते हैं, देखते हैं। वैसे आई थिंक ये नीचे की साइड गई है, अभी ऊपर गई है तो पता नहीं है, बट आ गई ग्रैनी, आ गई डायन, आ गई बूढ़ी। तो हम अपने पेन को और कुशबू को यहीं पर रख देते हैं। चलिए अभी ऊपर की साइड चलते हैं और स्क्रू ड्राइवर को गिरा लेते हैं, क्योंकि ग्रैनी अभी बेहोश है तो वो तो अभी आएगी नहीं, दैट्स वाई हमें इसे गिरा लेना चाहिए। तो अभी तो हमारा निशाना चूक गया है। चलिए एक बार फिर से उसे उठाते हैं और दोबारा निशाना तकते हैं और इस क्रूस सॉरी स्क्रू ड्राइवर को गिराते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसे गिरा भी लिया सक्सेसफुली। तो फिलहाल अभी हम इस क्रूसबो को नीचे छोड़ देते हैं, क्रूसबो को यहीं पर छोड़ देते हैं और स्क्रू ड्राइवर को उठा ले आते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड सीट है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि बंदूक ही हमारी तैयार हो गई है, यानी कि कौवे को हम शॉटगन से मार देंगे, तो इस खाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल कौवे को हम इसे नहीं मारेंगे, क्योंकि कौवे के पास कुछ सही चीज़ होगी तो हम उसे मार देंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं मारेंगे। जो हमारे काम की चीज़ होगी तो हम उसे उठाएंगे, कौवे को मार कर ही उठा सकते हैं, वैसे तो उठा नहीं सकते। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो हम नीचे की साइड जाएंगे और उन दो स्क्रू हैं उनको खोलेंगे। आई थिंक उसमें सेफ की मिलेगी मुझे, वैसे हमेशा इसमें सेफ ही की मिलती है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है फिर। तो फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, और यहाँ पर गाइस मुझे पैडलॉक की मिल चुकी है, जिसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है पैडलॉक। तो गाइस यहाँ पर ग्रैनी भी आ चुकी है, तो अभी मैं इसे 2 मिनट के लिए बेहोश करना होगा, क्योंकि ग्रैनी ने मुझे देख लिया है और वो यहाँ से जाने वाली नहीं है अभी। तो मैंने अभी इसे बेहोश कर दिया है, 2 मिनट के लिए बेहोश हो गई है डायन। तो आई थिंक अभी मुझे ऊपर की साइड जाना चाहिए और वहाँ चेक कर लेना चाहिए वहाँ पर क्या मिलेगा मुझे। चलिए फिर अभी ऊपर की साइड जाएंगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है और इंजन पार्ट यहीं कहीं शायद रखा था। तो मैं ऊपर आ चुके हैं, तो इसे यहाँ पर फेंक देते हैं और सबसे पहले इसे लगाते हैं फ्लैश।
तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। और अब चैन कटर उठाकर हम अंदर जाएंगे और वहाँ पर मुझे एक रिंच मिल गई है, एक डंडा भी है जिसका मैं फ़िलहाल कोई काम नहीं, क्योंकि इस डंडे का काम सेवर एस्केप में होता है। बट डोंट वरी, अपन तो कार एस्केप करने वाले हैं ना, इसलिए हमें उस डंडे की कोई ज़रूरत नहीं। तो भी हम रिंच को उठा लेते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। बस देख के जाना होगा कहीं ग्रैनी सामने से ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारा इंजन पार्ट रखा हुआ जिसे हम बाद में उठाने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल अभी हम नीचे की साइड चलते हैं, रिंच को वहीं पर रख देते हैं। आज मैंने भी यहाँ पर शोर कर दिया क्योंकि ग्रैनी आई थिंक अभी 2 मिनट से ऊपर टाइम हो गया होगा, तो ग्रैनी भी मतलब होश में आ चुकी होगी। तो हम उसे 2 मिनट के लिए फिर से बेहोश कर दें तो अच्छा रहेगा। तो आज ग्रैनी अभी आ भी रही है, तो अभी हम इसके आते ही इसको बेहोश कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर में ग्रैनी बेहोश होने वाली है 2 मिनट के लिए। तो फिलहाल अभी अपनी शॉटगन को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि शॉटगन के पार्ट अपने पास ऑलरेडी आ चुके हैं सारे के सारे। अभी यहाँ पर एक वाटरमेलन भी पड़ा हुआ जिसे अभी हमें काटना है, देखना है इसके अंदर क्या मिलेगा। देखते हैं कौन सी की निकलता है या क्या निकलता है। सबसे पहले शॉटगन को कंप्लीट कर लेते हैं। शॉटगन सो गाइस यहाँ पर हमारी शॉटगन कंप्लीट हो चुकी है और मैंने उसमें एमओ भी भर लिया है। तो ग्रैनी तो अभी बेहोश है, तो अभी तो फिलहाल ग्रैनी को मारने की ज़रूरत नहीं है और शॉटगन की भी कुछ खास अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि शॉटगन की ज़रूरत पड़ेगी उस जगह पर। इसलिए अभी हम वहीं पर चलते हैं, वो एक सुरंग टाइप की है। यहाँ पर गाइज मुझे गैसोलीन भी दिख चुका है यहाँ पर, तो चलिए फिर इसको गैसोलीन को तो बाद में उठाएंगे। पहले अभी हम यहाँ से इस जगह पर एक सुरंग गए, जहाँ से यहीं से हम एक इस सीक्रेट रूम में जाएंगे जहाँ पर हमें गन की भी ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं उसमें क्या मिलता है। तो गाइज यहाँ पर हैमर दिख रहा है, तो चलिए अभी इसको तोड़ते हैं और हैमर को निकाल देते हैं, क्योंकि हैमर की आई थिंक कभी ज़रूरत पड़ने वाली है, यहीं पर ज़रूरत पड़ेगी इसी जगह पर। तो फिलहाल अभी इसको हम सेव करते हैं। सबसे पहले गन को नीचे फेंक देते हैं और फिर हम हैमर को उठाएंगे। तो इस साइड डाल देते हैं इसे, क्योंकि ग्रैनी उस साइड आएगी और हम इस साइड से उसे उठा ले आएंगे। गाइस यहाँ पर रिमोट कंट्रोल भी पड़ा हुआ है, तो इसे तो हम बाद में उठाएंगे क्योंकि रिमोट कंट्रोल में वाले रूम में कुछ खास तो मिलता नहीं मुझे। तो गाइस मुझे लगता है ग्रैनी भी इसी साइड कहीं है, यहीं पर कहीं। तो अभी हम फिलहाल यहीं पर छुप जाते हैं और यार देखते हैं ग्रैनी कहाँ पर, ग्रैनी अगर आएगी तो फिर ऐसे यहाँ पर हम सेफ हैं। ग्रैनी आएगी ज़रूर, क्योंकि इधर अभी हमने पटरों को तोड़ा है ना, इसलिए जरूर जाएगी ग्रैनी। तो ग्रैनी के फिलहाल यहाँ आने और फिर यहाँ से जाने तक वेट करते हैं। ग्रैनी तो अभी आ चुकी है, देखते हैं ग्रैनी कब यहाँ से जाती है। जैसे ही ग्रैनी यहाँ से चली जाएगी हम भी यहाँ से निकल लेंगे। तो ग्रैनी तो यहाँ पर फिर आएगी, बिकॉज ग्रैनी आ चुकी है और ये उस रूम में जा रही है।
इसे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पर छुपा हूँ, पता नहीं। ग्रैनी इस समय सदमे में है। तो ग्रैनी अभी तो जा चुकी है। ग्रैनी, अगर ग्रैनी ने मुझे देख लिया है, और ग्रैनी यहाँ पर आ चुकी है। मैंने थोड़ी जल्दी कर दी थी ना इसलिए, नहीं तो मैं यहाँ से निकल सकता था। ग्रैनी जल्दी जा। तो गाइस मुझे लगता है ग्रैनी जा चुकी है, ग्रैनी जा रही है। और थोड़ी देर अपन यहाँ पर और रुकते हैं ताकि ग्रैनी का खतरा बिल्कुल ना रहे में। तो ग्रैनी तो जा चुकी, ग्रैनी सीढ़ियों पर ट्रैप बिछा कर गई। ओ भाई, ग्रैनी तो बहुत ही चालाक है। तो इधर शोर कर देते हैं, ग्रैनी को बुलाते हैं और ग्रैनी को 2 मिनट तक फिर बेहोश कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास रिंच आ चुकी है, हैमर भी आ चुका है, पैडलॉक की भी आ चुकी है और केरोसिन, सॉरी गैसोलिन भी अपने पास है। तो यहाँ पर मैंने एक बार फिर से शोर कर दिया है ताकि ग्रैनी जल्दी आए। तो ग्रैनी तक अपना क्रॉसबो उठा लेते हैं। ग्रैनी आ चुकी है और अभी हम इसे बेहोश करने वाले हैं। ग्रैनी को बेहोश कर देते हैं तो उतनी टाइम मतलब हम बड़ी आसानी से अपना काम करते हैं। तभी ऊपर से साइड हम सब कुछ ले आए हैं, तो अभी इसको ले चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसने ट्रैप बिछाया था अभी, तो इसे अभी फ़िलहाल हटा देते हैं, यहाँ से निकलते हैं और इंजन पार्ट पहले उठा लेते हैं, देखते हैं इंजन पार्ट किधर रखा है। तो इंजन पार्ट मैंने यहाँ से ले लिया है और इंजन पार्ट को लेकर नीचे की साइड चलते हैं सबसे पहले। इधर तो शायद मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। प्ले हाउस की अपने पास है ही। तो यहाँ पर मुझे किताब दिख गई है, तो किताब का तो बहुत ज़्यादा काम है, तो इसे फ़िलहाल हम बाद में उपयोग में लेंगे। फिलहाल अभी हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और देखते हैं पांगे क्या होता है। आई थिंक ग्रैनी को भी काफ़ी टाइम हो गया अभी उसकी, तो चलिए फिलहाल अभी इसको किताब को यहाँ पर रख देते हैं और उस स्पाइडर को ज़िंदा कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रैनी जब तक आएगी तब तक हम यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेते हैं, चेक करके यहाँ से निकल लेते हैं। अगली बार जब हम ग्रैनी को बेहोश कर देंगे तो हम इस स्पाइडर की को उठा लेंगे और उस सीक्रेट दरवाजे को हम खोल लेंगे। दरवाज़ा तो नहीं कह सकते, सुरंग कह सकते उसे। तो अभी फ़िलहाल हम इस बर्ड सीट को यहाँ पर रख देते हैं। देख इसके पास कोक बिल है, तो उसे कोक बिल को उठा लेते हैं। तो फिलहाल हमने कोक बिल को उठा लिया है और अभी हम नीचे की साइड जाने वाले हैं, क्योंकि ग्रैनी तो अभी आएगी नहीं इस साइड। तो अभी यहाँ पर शोर कर देते हैं ताकि ग्रैनी, ग्रैनी बहुत मुश्किल है जो इस साइड आएगी, ग्रैनी इस साइड आती है बट बहुत कम। तो चलिए फिर इंजन पार्ट को अभी हम लगा देते हैं वहाँ पर, क्योंकि गाड़ी भी अभी कंप्लीट करनी है यहाँ पर। वाटरमेलन ऐसे भी अभी चेक करना है इसके अंदर क्या निकलता है। तो यहाँ पर तो अभी स्पार्क प्लग चाहिए हमें, तो फिलहाल वाटरमेलन उठा लेते हैं। आई थिंक हो सकता है इसमें ही स्पार्क प्लग निकल आए। तो गाइस अभी हमने मैंने यहाँ पर शोर कर दिया है और इसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि ग्रैनी तो ज़िंदा हो चुकी होगी और ग्रैनी आएगी हम उसे यहाँ पर बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बंद कर देंगे और इस धुएं वाली मशीन को ऑन कर देंगे।
तो ग्रैनी 2 मिनट तक के लिए बेहोश हो जाएगी। तो फिलहाल अभी ग्रैनी के यहाँ पर आने का वेट करते हैं। ग्रैनी जैसे ही आएगी हम इसे बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए सुला देंगे, ग्रैनी को कोमा में भेज देंगे। सो गाइस ग्रैनी अभी आ चुकी है और इसके जाते ही हम इस रूम को बंद कर देंगे, इस दरवाजे को। तो इसको भी लगा देते हैं क्योंकि ग्रैनी बहुत जल्दी से निकलती है यदि इसको ना लगाऊं। तो अभी थोड़ी देर में ग्रैनी भी बेहोश हो जाएगी 2 मिनट के लिए। तो फिलहाल अभी वाटरमेलन को चेक कर लेना चाहिए इसमें क्या निकलता है क्या नहीं, देखते हैं क्या निकलता है। ग्रैनी 2 मिनट के लिए सो चुकी है, कोमा में चली गई है और अभी हम इसको चेक करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं क्या निकलता है इसमें। तो गाइस यहाँ पर मुझे एक स्पार्क प्लग मिल चुका है, आई थिंक अभी मुझे बैटरी नहीं मिली, कैरोसिन मिल चुका है, बैटरी मिल चुकी है, रेंच मिल चुकी है कार की यही, तो बैटरी अभी तक मुझे नहीं मिली है और बैटरी को देखें कहाँ पर मिलती है बैटरी मुझे। तो चलिए फिलहाल ग्रैनी जब तक बेहोश है 2 मिनट के लिए तब तक हम अपने इस स्पार्क प्लग को गाड़ी में लगा देते हैं। तो अभी रेंच की भी ज़रूरत पड़ने वाली है इन वोल्ट को कसने के लिए। तो चलिए अभी हम उन बोल्ट को भी कस देते हैं। तो गाइस अभी हमने इन बोल्ट को कस दिया है और अब रिंच का हमारे पास कोई भी काम नहीं है, तो इसे हम यहीं पर फेंक देते हैं। और अभी क्या करना है मुझे, अच्छा स्पाइडर की आई थिंक अभी एक मेरे पास कोक भी मुझे और चाहिए, प्ले हाउस की तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, तो देखते हैं वो कोक व्हील एक कहाँ पर मिलता है, एक कोक व्हील मिल जाए तो देखते हैं फिर उसमें क्या मिलेगा मुझे। प्ले हाउस को खोलेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं शायद यहीं मैंने यहीं पर कहीं शायद फेंका था उसे। तो फिलहाल इस साइड तो कहीं नहीं है कोक व्हील, तो कोक व्हील तो नहीं बट यहाँ पर स्पाइडर की मुझे मिल चुकी है। तो अभी हम इसे नीचे का, यहाँ पर ग्रैनी आ चुकी है और उसने मुझे देख लिया, अभी वो ऊपर की साइड आने वाली है। तो अभी हमें ग्रैनी से बचकर इस स्पाइडर की को लगाना होगा। वैसे ग्रैनी अगर इस साइड आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ग्रैनी को हम बेहोश कर देंगे, तो अभी इसलिए मैंने यहाँ पर शोर कर दिया ताकि ग्रैनी यहाँ आए और फिर मैं उसे नीचे बुलाऊँ। तो अभी हम ग्रैनी को बेहोश कर देते हैं तो बेटर रहेगा। तो ग्रैनी को देखो ग्रैनी आती है कि नहीं, वैसे इस साइड ही शोर करते हैं क्योंकि ग्रैनी इस साइड जल्दी आएगी। तो मैंने अभी 2 बार शोर कर दिया है और यहाँ पर इसे उठा लेते हैं और ग्रैनी जैसे ही आएगी हम उसे 2 मिनट के लिए फिर बेहोश कर देंगे। ग्रैनी जब चली जाती है कोमा में तो हम अपना काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। सो ग्रैनी जल्दी आ जा भाई। जब हम सुरंग में भी जाने वाले हैं जहाँ पर वो स्पाइडर मिलेगा जिसे अभी हमने जिंदा किया है, वही उस वहाँ पर मिलता है सुरंग में। तो अभी हमने इसके एक इंजेक्शन लगा दिया है फ्री में वो भी। तो फिलहाल अभी आई थिंक मुझे ऊपर, अच्छा पहले एक कोक बिल चाहिए मुझे, इस साइड तो मैंने चेक कर लिया था, यहाँ पर जहाँ एक बिल क्रैंक भी मुझे मिल गया है जिसकी अपन को ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी कोक बिल की और हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल अभी हम उसको यहीं पर फेंक देते हैं।
और हैमर का काम आई थिंक ख़त्म हो चुका है, तो स्पाइडर की मैंने ले ली है। अभी स्पाइडर की लेकर अभी हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर इस सुरंग है, यहाँ पर एक सीक्रेट सुरंग, इसे खोल लेते हैं। और अब हम कोक बिल लेकर यहीं पर फेंक देंगे। ये क्या है, ये तो रिंच है। तो चलिए फिर कोक बिल को लेकर हम वहीं पर फेंक देते हैं उसी जगह पर, ताकि कोक बिल की तो नीचे ज़रूरत पड़ने वाली है, ऊपर कुछ नहीं उसका काम है। गाइस अभी तक मुझे केवल एक ये पया मिला है, एक आई थिंक मतलब इसे क्या कहते हैं कोक बिल से, तो आई थिंक कोक बिल मुझे एक मिला और प्ले हाउस की मिल ही चुकी है, तो मुझे लगता है ये नीचे की साइड ही मिलेगा। सुरंग में ही मुझे एक दूसरा कोक बिल मिलने वाला है आई थिंक। तो फिलहाल पैडलॉक की का भी काम हमारे पास खत्म हो चुका है, गाड़ी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि एक बैटरी की ज़रूरत है, और बैटरी की ही ज़रूरत है आई थिंक, और तो सब कुछ है अपने पास। तो फिलहाल प्ले हाउस की ले चलते हैं और वहाँ पर इसे लगा देते हैं। और कैरोसिन तो अपने पास है ही, अभी थोड़ी देर में कैरोसिन को भी भर लेंगे हम। तभी यहाँ पर ये गैसोलीन रखी है, कैरोसिन नहीं गैसोलीन, तो इसे ले जलते हैं और गाड़ी में भर लेते हैं। बैटरी गाइज अभी तक मुझको नहीं मिली है, जहाँ तक मेरा अनुमान है बैटरी नीचे की साइड ही मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर हमारी टंकी फुल हो चुकी है और हमारी गाड़ी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, बस थोड़ा सा अपनी गाड़ी में काम रह गया है, और वो काम है बैटरी, बस ओनली। तो भी काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे लगता है यहाँ पर ग्रैनी को बुला लेना चाहिए और उसे फिर 2 मिनट के लिए बेहोश कर देना चाहिए। तो अपना हम क्रूज को उठा लेते हैं। ग्रैनी आ चुकी है और अभी हम इसे बेहोश करने वाले हैं। तो इसे मैंने बेहोश कर दिया है, अभी 2 मिनट के लिए कोमा में चली गई है, तब तक के लिए हम अपना और काम निपटा लेते हैं। सो गाइज अभी यहाँ तो मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं मिला, मुझे एक कोक बिल चाहिए, जो कि मुझे इस साइड कहीं पर भी नहीं मिला, पता नहीं वो कोक बिल कहाँ मिलने वाला है। चलिए हम फिलहाल इसे उठा लेते हैं, रिमोट कंट्रोल, शायद इससे कुछ हमको मिल जाए। गाइज अभी हम नीचे की साइड जा रहे हैं और इस रिमोट कंट्रोल को यहाँ पर लगाएंगे और देख लेंगे यहाँ पर क्या मुझको मिलता है। तो गाइज यहाँ पर तो मुझे एक स्प्रे मिली है, जिसका शायद ये कुछ काम होगा, तो मुझे लगता है अब नीचे की साइड ही जाना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर को ढूंढ लेते हैं, इस कोक व्हील को पहले लगा देते, चलिए लगा देते हैं यहाँ पर, और फिर हम नीचे की साइड जाएंगे। वैसे मुझे केवल एक बैटरी की ज़रूरत है बस, और मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है।
तो चलिए फिर अभी हम इसको बिल को यहाँ पर लगा देते हैं और फिर यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे भी यहाँ पर यदि हमको बैटरी मिल गई तो फिर कॉक बेल की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पर मैंने बेल पे जा दी है, तो ग्रैनी उस साइड आएगी क्योंकि ग्रैनी अभी तक ज़िंदा हो चुकी होगी। गाइस जब भी मैंने यहाँ पर शोर कर दिया ताकि ग्रैनी को बेहोश कर दें एक बार, फिर हम यहाँ से निकल लें। तो ग्रैनी यहाँ पर आ भी चुकी है, तो मैंने अभी यहाँ पर बेहोश कर दिया इसे और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं, उस सुरंग में जाएंगे और वहीं से आई थिंक। वैसे यहाँ पर इस घर को तो मैंने चेक कर लिया है, जहाँ तक मेरा अनुमान है तो नीचे की साइड ही कुछ मिलेगा। तो इधर तो फिलहाल मुझे अभी कुछ नहीं मिला, मुझे नीचे ही जाना होगा। तो चलिए फिर नीचे की साइड ही चलते हैं, इधर तो कुछ मिलने वाला नहीं मुझे। तो यहाँ पर मैंने जंप लगा दी और अब यहाँ से बील क्रैंक को उठाएंगे, बील क्रैंक को, और यहाँ नीचे की साइड कूद जाएंगे। तो अभी तो हम इस साइड आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये विशाल का जानवर यानी कि स्पाइडर, इधर देख लेते हैं इधर क्या मिलता है। तो गाइस यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला अभी, अभी फिलहाल स्पाइडर तो है नहीं, तब तक के लिए हम इस बेल क्रैंक को यहाँ पर लगा देते हैं। और वैसे हमारा काम ख़त्म हो चुका, मुझे अब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे बैटरी की ज़रूरत थी और बैटरी मुझे मिल चुकी है। अब बैटरी से हम कार स्केप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम, मुझे लगता है यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे और कुछ और क्या मिलता है यहाँ पर। वैसे बैटरी से ही हमारा काम हो चुका, बैटरी को यहाँ पर फेंक देते हैं, बैटरी को यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। और अभी हम यहाँ नीचे की साइड चलते हैं और स्पाइडर की, तो चलिए फिर यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। वैसे पता नहीं है इधर की साइड है ये खतरनाक जानवर, तो गाइस ये यहीं पर खड़ा हुआ है अभी और उसने मुझे देख लिया है। ऐसे भी इससे भी डरने वाले नहीं है क्योंकि ये जानवर यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो फिलहाल अभी इसके जाने का इंतज़ार करते हैं, ये किस, ये सीधी रास्ते पर गया है तो मुझे लगता है यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ से निकल आया हूँ, तो यहाँ पर दो बॉक्स रहते हैं, दो रूम सीक्रेट हैं यहाँ पर, इस बॉक्स को खोल लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला मुझे, तो और अभी हम इस जगह को चेक करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे एक स्पेशल की मिली है जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये स्पाइडर आ रहा है और इसने मुझे देख लिया है। बट ये स्पाइडर की है बदकिस्मती है कि यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो स्पाइडर इस साइड गया है और हम यहाँ से धीरे से इस साइड निकल लेते हैं दीदी, क्योंकि अभी यहाँ पर हम बैठेंगे जब तक स्पाइडर दोबारा यहाँ पर नहीं आ जाता है। स्पाइडर इस साइड से आएगा और हम यहाँ से निकल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर स्पाइडर का वेट करते हैं थोड़ी देर, और स्पाइडर आ भी चुका है यहाँ पर। जैसे ये इस साइड से यहाँ पर आएगा रूम की और हम यहाँ से निकल लेंगे। स्वेटर तो आ चुका है और मुझे लगता है अभी हमें भी निकल लेना चाहिए यहाँ, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। वैसे स्पेशल की कि मुझे कुछ स्पेशल की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मुझे एक कार स्केप करनी है और
मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो फ़िलहाल अभी हम इसे यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ से एस्केप करते हैं कार एस्केप। सो मैंने अभी यहाँ पर बैटरी लगा दी है और यहाँ पर मेरा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। कार की यहाँ से उठा लेते हैं, तो कार की मैंने यहाँ से उठा ली है और अभी हम यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। कार में बैठते हैं और थोड़ी देर में हमारी कार स्टार्ट होने वाली, तो फिलहाल अभी मैं कार में बैठ गया हूँ। तो मुझे भी 3 बार गाड़ी को स्टार्ट करना होगा, मतलब 3 बार रिवर्स फॉरवर्ड करना होगा, 3 बार में ये गेट टूट जाएगा। तो यहाँ से हमारा कार एस्केप सक्सेसफुली हो चुका है और ग्रैनी यहाँ पर देखती रहेगी और हमने यह एस्केप कर लिया है।